एक्शन साहब कह रहे थे कि किसानों को हम एक भी पानी वार नहीं रुकने देंगे, वो 37 दिन का टाइम देकर गए थे, अब 90 दिन के करीब हो लिया किसानों को पानी ना मिले। जय साहब बोलते हैं मेरे पास ठेका नहीं है लाइन का, वो जय साहब बोलते हैं मेरे पास ठेका नहीं है लाइन का, वो जय साहब बोलते हैं मेरे पास ठेका नहीं है, माल नहीं लगा रहे सही सारा डुप्लीकेट माल लगा रहे इसमें जी माल नहीं लगा रहे सही सारा डुप्लीकेट। 6 महीने हो गए बड़ी मुश्किल से डीजल फूक पाक के ये फसलें तैयार करी, क्या बचेगा हमें? इन्होंने पहले ये तो कंप्लीट किया नहीं, वो भी उखाड़ दिया हमारा 6 महीने से दोनों साइड से। आप देख रहे हैं रवि पथ न्यूज, इस वक्त हम फरीदपुर दौलतपुर के बीच में जो माइनर बन रहा है वहाँ पर मौजूद हैं। ये माइनर PLC जो पाबड़ा चैनल लिंक नहर है उससे दौलतपुर की ओर जाने वाला ये माइनर है जहाँ आप देख रहे हैं, और ये ऐसा माइनर है जो CC का बनाया जा रहा है, नई तकनीक से बनाया जा रहा है ये माइनर, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो क्या खामियां हैं कि इसमें जो जितना लोहा लगाया जाना चाहिए, सरिया लगाया जाना चाहिए, वो नहीं लग रहा, सीमेंट बजरी और क्रेशर का जो मिश्रण होना चाहिए वो सही नहीं है, क्योंकि बनने के साथ साथ ही ये फटना शुरू हो गया है। किसानों की शिकायतें हैं कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं ठेकेदार और जेई द्वारा मिली भगत करके की जा रही है। हमारे साथ किसान भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? जगबीर जी। जगबीर जी, क्या दिक्कत है इस माइनर में? इसमें जी माल नहीं लगा रहे सही सारा डुप्लीकेट माल लगा रहे, कहीं पे दो आंगल चढ़ा रखा, कहीं पे एक आंगल चढ़ा रखा, सारा पट रहा है, सारा रबजा बैठ रहा पीछे से, मतलब बनने से पहले ही टूटना शुरू हो गया। बनने से पहले ही टूट गया। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक बन रहा है? ये उससे पावड़ा महिंद्र से शुरू हुआ है और ये दौलतपुर जेल तक बनेगा। तो इसको लेकर के आपने ठेकेदार से, जेई से या किसी अधिकारी से बात की? जेई से बात करी है, जेई जवाब नहीं दे रहा, गलत बोल रहा जी, बोले ऐसे ही बनेगा, क्या करोगे तुम? अच्छा, हाँ, बोले कहीं कंप्लेंट करनी CM का करो, कहीं पे करो उन्होंने। तो ये जय ही कह रहा है? जय ही बात कर रहा है। ओके, हाँ। आप देखिए, किसान जुगबीर का कहना है कि यहाँ पर जो कनिष्ठ अभियंता जय जिसको बोलते हैं उनसे बात की गई, तो उनका भी यही रोप था कि आप जहाँ शिकायत करना चाहें कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूँ कि जो माइनर बन रहा है, ये RCC जिसको बोलते हैं, CC का जिसको बोलते हैं, वो बन रहा है, और इसमें जो सामग्री है वो निम्न स्तर की लगाई जा रही है, जिसकी वजह से ये टूटना और बैठना शुरू हो गया है। यहाँ फरीदपुर दौलतपुर के किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहाँ कहाँ से इस प्रकार की दिक्कतें हैं जहाँ पर बैठ चुका है ये पीछे से जी फरीदपुर के, उससे वहाँ पे बैठ रहा ये बेड जो ओल मर रहा मैंने, वो भी बेड चो रहा है सारा। अच्छा, तो वो चीजें दिखा सकते हैं आप? हाँ, दिखा सकते हैं। चल, आप चल। बताएं भाई साहब क्या कह रहे थे, आगे आ जाओ। जोड़ हन जो डल्ले वाला उसके पास में सारा बैठ गया, नीचे ही तरफ चला गया सारा। ये ऐसा हुआ क्यों? यू कच्चा माल के कारण जो सही नहीं लगाया। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा जोगिंदर। जोगिंदर, जोगिंदर अभी यही बता रहे हैं कि जो इसमें माल लगाया जा रहा है, जो सीमेंट सरिया बजरी क्रेशर लगाया जा रहा है, वो बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, और जो मापदंड सरकार द्वारा तय किए जाने चाहिए उनके अनुसार भी नहीं लगाया जा रहा है। एक तो सरकार कहती है कि बिना किसी भी भ्रष्टाचार के किसानों के टेल तक पानी पहुंचाया जाएगा, उनकी फसलें खरीदी जाएगी, लेकिन अगर आप यहां दौलतपुर और फरीदपुर में बनने वाले माइनर को देखेंगे तो यहां पर किसानों के आरोप है कि जेई और ठेकेदार बहुत ही घटिया सामग्री लगा करके इस माइनर का निर्माण कर रहे हैं। हम चलते हैं वहां पर जहां से ये इसकी शुरुआत हुई थी और जहां पर अब ये बनने से पहले ही टूटना शुरू हो गया, वहां भी हम किसानों से बातचीत करते हैं, आइए चलते हैं। चलिए आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहाँ पर नया बनने वाला माइनर टूटना शुरू हो चुका है। किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम किसानों से भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो माइनर है यहाँ से जो पूर्व में राज्य मंत्री और विधायक रहे अनूप धानक, उनके द्वारा मंजूर करवाया गया था उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ उन काम करते हुए, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अब वो BJP में है, यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो उनकी सरकार अब किस प्रकार के कार्यों पर जो अनियमितताएँ बरती जा रही हैं उन पर क्या संज्ञान ले रही है, लेकिन पहले हम किसानों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, यहाँ पर ये जो बन रहा है इसमें क्या दिक्कतें अब आ रही हैं? इसमें दिक्कत ये है, एक तो पीछे जो रजवाया है, ये जो बना पीछे से जो आया है उसमें जगह जगह क्रैक आए हुए हैं, दूसरा इसमें तय मानक के हिसाब से माल नहीं लगा है, तीसरा ये जगह जगह फिर ये लीकेज चल रही हैं। आप इस साइड देख सकते हैं और उस साइड भी देख सकते हैं, पानी अभी इसमें मामूली सा पानी है और वो भी रिस रहा है, अगर ये कल को भरेगा तो टूट जाएगा खराब हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ हमने ये कहा था इनको कि भाई आप इस तरफ का रजवाया ना उखाड़ के पहले इसको कम्प्लीट करें ताकि हमें
उस साइड से पानी मिलता रहे। अभी हमें 6 महीने हो गए, बड़ी मुश्किल से डीजल फूक पाक के ये फसलें तैयार करी, क्या बचेगा हमें। इन्होंने पहले ये तो कंप्लीट किया नहीं, वो भी उखाड़ दिया हमारा। 6 महीने से दोनों साइड से पानी बंद है, मतलब नुकसान किया जा रहा है किसानों को जी, और भारी बहुत भारी नुकसान किया जा रहा है। ये गरीब किसान मारा गया बेचारा जी। तो आप लोग जो ये यहाँ से पानी की सिंचाई कर रहे हैं, इसके लिए ये जो डीजल खर्चा है ये कौन वहन कर रहा है? ये जी हम खुद कर रहे हैं, खुद किसान कर रहे जी, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। कोई मदद नहीं है किसी भी किसी नहीं, ठेकेदार की तरफ से भी। आप इसको लेकर के जेई ठेकेदार से कभी मिले हो तो क्या कहा जी? हमने एक्शन साहब से बात करी थी, हमने पहले यही कहा था जेई साहब को, कहा जेई साहब को कहा कि भाई आप पहले मोटर का बंदोबस्त करें और लाइन डलवाएं। वो जेई साहब बोलते हैं मेरे पास ठेका नहीं है लाइन का, जब तक लाइन नहीं डलेगी 24 घंटे बिजली रह नहीं सकती। जेई कौन है यहाँ पे? जेई का नाम का तो नहीं मुझे ध्यान है, कौन है? राहुल, राहुल है जी। नंबर है उनका जी? नंबर बताओ एक बार। हम कोशिश करते हैं जो यहाँ पर जेई है उनसे बात करने की कि इस प्रकार की जो दिक्कतें किसानों को आ रही है उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा। बताइए नंबर। 99928 88232। चलिए हम पहले जेई कनिष्ठ अभियंता जो है उनसे बात कर लेते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है जी, कृपया कुछ समय बाद। आप देख रहे हैं कि हम जेई का नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है। साथ में हम अनूप धानक जो यहां से पूर्व में राज्य मंत्री रहे और प्रत्याशी रहे बीजेपी के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं अगर उनसे संपर्क हो पाता है। चलिए अनूप धानक का जो है नंबर बीजी आ रहा है, तब तक हम आपको दिखाते हैं। चलिए एक बार आप वो लीकेज दिखाइए जहां पर हो रही है, तो मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो तमाम चीज़ें कवरेज में लें जहां पर लीकेज हो रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात बीजेपी सरकार द्वारा की जा रही है और यहाँ पर किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है इसका खुलासा किसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है ये लीकेज आप देख सकते हैं कि अब से पहले पानी यहाँ से लीकेज जो बन रहा है उसी में शुरू हो चुका है और ये लिफ्टिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है पानी का। पहले जो नीचे का माइनर है उससे पानी को लिफ्ट करके इस माइनर में डाला जाएगा और फिर ये आगे किसानों की सिंचाई के लिए जाएगा। अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है और किसानों का सीधा आरोप है कि इसमें बिल्कुल लो क्वालिटी का माल लगा जा रहा है। हमारे साथ और किसान जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत लेते हैं। आप बताइए क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं? यहाँ जी लीकेज में चल रहा है सारा जवा, और एक्शन साहब कह रहे थे कि किसानों को हम एक भी पानी वार नहीं रुकने देंगे। वो 37 दिन का टाइम देकर गए थे, अब 90 दिन के करीब हो लिया किसानों को पानी ना मिला है और अभी ना किसी का फोन उठा रहे हैं ना कोई यहाँ पे आके संभाला कर रहे हैं क्या हो रहा है जी। किसान खुद अपना डीजल जला के यहाँ से पानी लगा रहे हैं, ये महकमे का काम है, उनको देना चाहिए था, वो सुनवाई नहीं करे किसी की भी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों का आरोप है कि सुनवाई नहीं हो रही है, किसान अपना डीजल फूक करके महंगा पानी खरीदने को मजबूर हैं। हम एक बार प्रयास करते हैं पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक से, उनका नंबर लगातार बिजी आ रहा है क्योंकि उन्होंने इस माइनर को मंजूर करवाया था और आज वो मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा रखते हैं। हालांकि उकलाना से वो विजय नहीं हो पाए लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ओर से उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि हल्के में रह करके काम करें। मुझे तो लगता है ये सोची समझी साजिश है, पानी नहीं देंगे तो खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी है, डीपी मिलना नहीं किसी को, इसीलिए मेरे ख्याल में पानी भी नहीं दे रहे, डीपी है ही नहीं किसी देने के लिए, ये तो एक साजिश है सरकार की। तो अब आपको जो डीजल फूक करके पानी लेना पड़ रहा है कितना महंगा पड़ रहा है? बहुत महंगा पड़ रहा है, डीजल का रेट का आपको पता ही है, डीजल और पेट्रोल के रेट तो 100 के करीब है। वैसे तो ये नहरी पानी तो आपको सीधा मिलना चाहिए था, 1500 रुपए में एक एकड़ में लगता है ये फ्री में, अब ये 1500 रुपए में लगा रहे हैं एक एकड़ में पानी, फिर डीएपी नहीं मिल रहा जिसको बाद अगर जिसकी 70 आगे जमीन उसको। आप मुझे एक बात बताइए कि जब अगर ये जो माइनर है तैयार हुआ होता तो फिर आपको डीजल फूकने की जरूरत नहीं थी? कोई जरूरत नहीं थी, मतलब आपको जोर जबरदस्ती हमने तो ये माइनर इसलिए निकलवाया था, हमें 2 वार मिले, वार मिले मिल रहा नहीं एक भी, 90 दिन हो गए, 90 दिन से एक बार भी पानी नहीं मिला। चलिए इसका तो नुकसान हो रहा है हमें, फायदा क्या है? और लगातार ये आप देख रहे हैं कि एक बार मैं अपने साथी से कहूंगा कि पूरा ये जो लिफ्टिंग सिस्टम जहां से पानी उठाया जाना है
वो भी दिखाएं और किस प्रकार से लीकेज यहाँ पर है, जो यहाँ के ठेकेदार हैं और जेई है उनके द्वारा मिली भगत करके किस प्रकार से यहाँ पर माल जो है अच्छा नहीं लगाया जा रहा, जो इसकी एक्शन साहब को यहाँ बुलाकर हमने पहले ये बोला था भाई इसको फिर पाड़ना, पहले पीछे से कवर करो, पीछे से बनाओ फिर इसको। एक्शन साहब ने यही बात यहाँ कम से कम 50 किसान हो गए उनसे यही बोला था भाई मैं पीछे से पहले कवर करके इसको फिर पाड़ूंगा है, उसके बाद भी ये काम हुआ नहीं, उसके बाद भी ये काम नहीं हुआ, पीछे वाला भी अनकम्प्लीट है और आगे वाला आगे वाला भी अनकम्प्लीट, दोनों काम बीच में ही 90 दिन से किसी को कोई पानी नहीं है इस साइड, 90 दिन से कोई पानी नहीं है। चलिए आपको दिखा दें कि किस प्रकार से यह नियमितताएं यहां पर बरती जा रही है। पीएलसी से दौलतपुर की ओर बढ़ने वाला ये माइनर जहां पर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसानों का कहना है कि यहां पर जो इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है वो लो क्वालिटी का लगाया जा रहा है। चलिए राज्य मंत्री अनूप धानक से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनका नंबर मिल चुका है। मंत्री जी राम राम। इस वक्त हम दौलतपुर और फरीदपुर का जो माइनर आप द्वारा मंजूर करवाया गया था किसानों के बीच में खड़े हैं सर, ये आधिकारिक कॉल है जी। तो यहाँ पर किसान भी सुन रहे हैं, यहाँ पर जो ये माइनर बनाया जा रहा है आपने मंजूर करवाया था किसानों के लिए, इसमें अनियमितताएँ किसान बता रहे हैं, जो मटेरियल है वो भी लो क्वालिटी का लगाया जा रहा है और जो जेई है और ठेकेदार है वो मिली भगत करके यहाँ पर पानी भी बेच रहे हैं, किसानों को डीजल फूकना पड़ रहा है, तो सर क्या कहेंगे इस पर? कोई शिकायत इस प्रकार की आई नहीं है, अगर किसानों की कोई इस प्रकार की शिकायत लिखित में आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, संज्ञान लिया जाएगा जी, लिखित में भी देंगे। एक बार किसानों से मैं आपकी बात करवाना चाहूंगा, जो किसान हमारे साथ हैं, पूर्व में राज्य मंत्री रहे अनूप धानक जी, जो आप बीजेपी में है वो लाइन पर है, बात करें आप। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं शमशेर बोल रहा हूँ फरीदपुर से जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये रजवाया तो मंजूर करा दिया, लेकिन ये तो हमारे लिए एक आफत बन गई है। क्या बात हुई जी? पानी नहीं आ रहा। आगे से भी उखाड़ दिया जी, जो दौलतपुर की साइड से पानी आ रहा था वो भी रजवाया उखाड़ दिया, पीछे वाला कम्प्लीट नहीं हुआ और आगे वाला उखाड़ दिया, दोनों साइड से पानी बंद हो गया। अब अगर कोई किस प्रकार की असुविधा आपको रही उसकी असुविधा के लिए तो खेद है, लेकिन अगर कोई अधिकारी इसमें किसी के खिलाफ शिकायत है तो आप लिखित में शिकायत देंगे जी। हमने और शेर साहब से बात, हम संज्ञान लेंगे जी, हमने और शेर साहब से बात करी थी, एक्शन साहब से बात करी थी, शिकायत अनूप धानक को भी देंगे जी, हम भेज देंगे आपको। एक बार भेज दो शिकायत सीएम साहब को, डायरेक्ट भेज दो, एक शिकायत लिखित में मेरे को भी दे दो जी। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। पूर्व राज्य मंत्री अनूप धानक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि शिकायत मिलते ही इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो अब आप लोग एक शिकायत कहाँ देंगे, कहाँ कहाँ पहुँचे? बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब को भी देंगे, भेजेंगे और अनूप धानक जी को भी भेजेंगे जी। चलिए किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर अब हैं? यहाँ पर बहुत भारी समस्या है, किसानों को बिजाई के समय पर पानी नहीं मिल रहा, 700 रुपए घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, बिजाई के टाइम पे अगर किसान को पानी नहीं मिलेगा किसान क्या खाएगा, क्या कमाएगा, इससे बड़ी समस्या किसान के लिए और क्या हो सकती है। गेहूं बिजाई का सीज़न बिल्कुल सिरे पे चला हुआ है और किसानों को इस वक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिफ्टिंग सिस्टम है, सिंचाई उठान विभाग जिसको बोला जाता है, लिफ्टिंग सिस्टम, इसके द्वारा यहाँ से जो पानी उठा करके आगे किसानों को दिया जाना है, ना तो वो अभी तक कंप्लीट हुआ है और पीछे से जो माइनर बनता हुआ आया है ना वो कंप्लीट हुआ, और किसानों का ये कहना है कि जब पीछे जो माइनर बनकर आया है उसमें भी अनियमितताएं बरती गई है जो टूट चुका है, और आगे का जो माइनर बनाया जा रहा है उसमें भी इसी प्रकार की घटिया सामग्री लगा करके उसको बनाया जा रहा है, जो एक सरिया सीमेंट क्रेशर बजरी के जो मापदंड होने चाहिए थे वो पूरे ठेकेदार और जेई द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, और मिली भगत से इसमें गोलमाल किया जा रहा है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अब हमने यहाँ पर यहाँ से चुनाव लड़ चुके और पूर्व में राज्य मंत्री रहे अनूप धानक से ही बात की, जेई से भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन बंद आया। किसान लिखित में इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भी देंगे और विभाग को भी देंगे, देखते हैं कि कब तक इस प्रकार के जो मिली भगत करके जेई और ठेकेदार इस प्रकार के अनियमितताओं का पालन कर रहे हैं और अनियमितताएं बरत करके जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। आप बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे आ जाओ, आगे जो पानी चलना था जो बंद पड़ा है देख लो दिखाई हुई, ये यहाँ से जो लिफ्टिंग पानी होना था क्योंकि आगे तो कंप्लीट ही नहीं किया ना अभी तक, बंद पड़ा है, बंद पड़ा है इसलिए।
और यहाँ से जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि यहाँ पर ये पानी जो किसानों को फ्री मिलना चाहिए था, वहाँ 700 रुपये प्रति घंटे का खर्च करके किसानों द्वारा अपने खेतों में इसकी सिंचाई की जा रही है। देखते हैं कि कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है और किसानों को कब जा करके राहत मिलती है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रवि पथ, उकलाना।